कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं बना रही थी रील्स, और रील्स बना रही थी तभी मेरा एक पार्सल आ गया। मैंने सोचा तो आइए खोल लेती हूँ पार्सल। मोबाइल यहाँ सेट करूँगी, स्टैंड ख़राब हो गया मेरा। ठीक है, मंगवाया मैंने ओट्स। मेरा ओट्स ख़त्म हो गया था, इतना बड़ा पैकेट रिसीव किया। इसमें देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये है काफ़ी बड़ा। कितने केजी का? 1 केजी का था। तो यही ओट्स मंगवाया है। आप चाहें तो इडली भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बहुत से डिश आते हैं, खिचड़ी भी बना सकते हैं। मैं तो वैसे दूध में डाल के ऐसे ही करके खा लेती हूँ। जैसे मॉर्निंग में यही होता है ना, मम्मी नमकीन वाला देती थी तो मैं कहती थी नमकीन खाने का मन नहीं करता सुबह। तो आप चाहे तो ओट्स बना के खा सकते हैं, मुझे सुबह के लिए सही रहता है। कभी कभी मुझे पता नहीं क्यों बहुत जल्दी पच जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है खाने में। तो लुक को लेकर रिव्यू ले लेते हैं, कैसा लग रहा है मम्मी? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हूँ जी। जी कैसा लगा थे? हैं, राजस्थानी लुक आया था। हाँ, अभी मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर लगा थी? सिवा कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर लग रही हूँ। मेरा ही रील्स देख रही हूँ, लेती हूँ फटाफट। तो चलती हूँ मैं, चेंज कर लेती हूँ, आपको मिलती हूँ कुछ देर बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जाऊँगी, खाना खाऊँगी। कितना बज रहा है? खाना नहीं खाई हूँ मैं, 3 बज गया, खाना नहीं खाया मैंने, खाने का मन भी नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग हो चुकी है मेरी, और आज बनेगा टमाटर की चटनी, जो कि टमाटर की चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप टमाटर की चटनी आलू के पराठे के साथ खा सकते हैं, नॉर्मली गरम गरम रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी बनाना स्टार्ट कर दी थी, और छोटे छोटे टमाटर थे उसको बीच में से मैंने काट लिया था। यहाँ पे मेरा कढ़ाई गरम हो गया है, तो मैंने सरसों का तेल थोड़ा सा डाला, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 5 फ़ोरन मैंने डाल दिया है, और लहसुन काटी हुई है वो डाल देंगे, और मिर्च डाल देंगे। अगर आपके पास लाल मिर्च सूखा है तो आप 2 तोड़ के बीच में से डाल दो, और तेज़पत्ता भी आप डाल सकते हो। तो मेरे पास ना लाल मिर्च था ना तेज़पत्ता था, तो मैंने हरा मिर्च ही डाल दिया। तो इस तरीके से है, सरसों का तेल में बना रही हूँ, और टमाटर पानी छोड़ता ही है तो उसमें ज़्यादा तेल डालने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ कोई स्पेशल कार्यक्रम होता है जैसे शादी वादी या फिर कोई स्पेशल ऐसे ही, तो बन जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि किसी का दत्त वगैरह भी होता है ना, तो पूड़ी उड़ी जब बनती है जिस दिन, तो उस दिन मीठी चटनी भी बनती है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर छोटे छोटे कटे कटे थे, तो वही डाल दिया गया है, और इसमें कुछ टमाटर कटे खड़े भी रह गए। तो मम्मी ने कहा किसने काटा है? तो बड़ी मम्मी कह रही है कि तुम्हारी मम्मी ने काटा। मैंने कहा अच्छा।
तो मैंने कहा चलो भैया जैसे भी है, आप देख रहे हो छोटे छोटे टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में, कलर कितना मस्त आ रहा है। तो इसमें मैंने 4 गुड़ डाल दिया था और इसमें नमक भी डाल दिया था और ढक भी दिया था। नमक वाला आई थिंक क्लिप है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो नमक मैंने डाल दिया था इसलिए कि टमाटर जल्दी गल जाए। वैसे अगर ना इसको आप बना रहे हो बड़ा टमाटर है तो आप इसको बॉयल कर लीजिए बीच में से काट के, और उसके ना छिलके आप निकाल सकते हो। तो ये छोटा टमाटर है तो गल जाएगा, इस वजह से इसके छिलके नहीं निकाले गए। तो इस तरीके से आप बारीक भी काट सकते हो, वो जल्दी गल जाएंगे। तो मम्मी ने ऐसे ही काट दिया ढेर ज़्यादा, तो यही है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो। हम लोग के यहाँ गुड़ डाला जाता है और नमक भी डाला जाता है। और इसमें आप ना बादाम वो काजू डाल सकते हो, तो काजू मेरे पास नहीं था, किशमिश मैंने डाल दिया था। इस तरीके से देखिए ढक ढक के हम लोग पकाए तो कितना अच्छा कलर ये आ गया है गुड़ का, गुड़ का काफ़ी अच्छे से मिल गया है। तो आप देख सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप ना ये आलू के पराठे के साथ खा रहे हो या फिर दाल वाली पूड़ी के साथ खा रहे हो, तो मम्मी भी कह रही थी आज ये चटनी बनी है दाल वाली पूड़ी बना दो क्या, मैंने कहा ठीक है बना दो क्या कर। लेकिन मेरी मम्मी को पराठे, आलू के पराठे, दाल के पराठे बड़े पसंद आते हैं, वो बनाना पसंद करती हैं, खाना भी पसंद करती हैं, लेकिन मुझे गर्मी में नहीं पसंद आता। लेकिन मैंने कहा ठीक है उनका मन है तो मैं एक दो खाऊँगी और क्या खाऊँगी, मैंने कहा ठीक है बना दो। तो यहाँ मेरा रेडी हो गया है, तो आप भी आ लो, आप भी ट्राई करो और ज़रूर बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया था टंकी का, तो मैं चली गई थी थोड़ा सा नल पे ब्रश करने, सुबह आ गया था, फिर दादी नहाने के लिए आ रही थी। और ये देखिए महापुरुष का देखा तनी पहन, ब्राउन मुंडे भल बटन पहन के चश्मा, चश्मा दिखा था दिख रहा है चश्मे में से, दिख रहा है। आए हाय पर्स ले जाते हैं, कहा किधर जा रहे हो, बस ऐसे ही खड़ा रहा, पका दो उंगली दिखा के अब निकल ला, चलो नानी के साथ चले जाओ। और यहाँ पे मैं थोड़ा किचन की साफ़ सफाई करने लग पड़ी थी, सामान ना सारे फैला देती हैं मम्मी, बड़ी मम्मी की आदत है कि कुछ भी करती हैं सामान पूरा फैला रहता है, और मेरा रहता है साफ़ सफाई के साथ साथ करती रहती हूँ और बनाती भी। सॉरी डकार आ गई मेरे वॉइस ओवर में, आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा, आए होगा इग्नोर करिएगा, सॉरी 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 सॉरी। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही थी और यही था यार। देखो उन लोग की भी एज है, ठीक है मैं नहीं बोलती, इसीलिए ना जब किचन में सब बन जाता है तब मैं घुसती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। अभी तो फ़िलहाल दीदी आ गई है तो बहुत हेल्प हो जाती है, तो वो कर देती हैं, तो मेरा काम बहुत कम रहता है। मम्मी को भी काम बहुत कम करना पड़ता है, तो मैं बोल रही थी उनको कि जितना आप काम करते हो ना उतना दीदी को, कि उतने में मेरे जैसे पतले हो जाना चाहिए, जितना मैं आराम करती हूँ उतना मुझे आप जैसा मोटा हो जाना चाहिए। लेकिन है अपोजिट, तो कहती हैं कि तुम चुन चुन के चीज़ें खाती हो, कभी कहोगी ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, और मैं हर चीज़ खाती हूँ। मैंने कहा हाँ वो बात तो सही है, वो कुछ भी पाती हैं खा लेती। पानी टंकी का पानी, टंकी का पानी ख़त्म हो गया है, इस वजह से इतना लाइट रहता है हमारे यहाँ, इतना लाइट रहता है, लेकिन इन लोग पानी नहीं चलाती, पता नहीं क्या करना है, पानी इतना बचाती है। तो उस चक्कर में टंकी का पानी गायब है, प्याज में पानी वानी भरा गया है, गायब है पानी, पानी नहीं है। जब पानी आएगा तो होगा कार्यक्रम, हम तो ब्रश जाके नल पे करके आए हैं, तो बाथरूम की तरफ है लेकिन नहाने के लिए इधर पानी वानी नहीं है। अब ना आप ला गुड़ा दिए, तुम कैसे लांडे हो, इधर आओ, किधर गिराया, किधर गिराया, बोल किधर गिराया। मौसी सुंदर की सिवाय है मौसी, चली तनी रूम उम सही कह दे लाए दो। दीदी कह रही थी आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, दीदी कह रही थी कि ऐसे ही 6 बजे उठ जाया करती तो कितना अच्छा रहता, मतलब 6 बजे जग गई थी और बिस्तर मैंने 7 बजे छोड़ा, 7:30 बजे छोड़ा, तो कह रही थी ऐसे ही उठ जाया करती, सुबह नाश्ता वास्ता कर लेती, बनाती ऐसे वैसे तो कितना अच्छा रहता। तो उनको नहीं पता कि मैं क्या चीज़ें सोच के आज उठी हूँ, क्योंकि आज देखिए 18 तारीख है और आज ही के दिन ना
अगर इंगेजमेंट की बात करें तो 20 अप्रैल को मेरा इंगेजमेंट था और 18 तारीख को मैं आज फेसियल वेसियल करवाने गई थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी। आज मेरे फ्रेंड का भी एनिवर्सरी है रितिका का, तो मैंने उसको रात में 12 बजे विश भी किया आज, तो मुझे याद आया कि यार आज 18 तारीख है, आज मैं फेसियल करवाने गई थी और दो दिन बाद, बहुत एक्साइटेड थी, मेरा इंगेजमेंट था और यही है 20 तारीख को, तो वो था। और फिर लॉकडाउन की बात करें तो जब लास्ट टाइम हमारा था तो 17 तारीख को लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन लगा था और 18 को हम आए थे, तो 18 को जब हम आ रहे थे गांव, पास मिल गया था हमें, हम लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। यहाँ मैं लवली की फ़ोटो थोड़ा सा साफ़ कर रही थी, तो वही चीज़ें हैं कि मतलब इस आज के दिन को मैं ना वो कर रही थी कि मैं क्यों आई आज के दिन, क्यों आई, मतलब कि मैं काश पास नहीं मिला होता, काश हम लोग गांव नहीं आए होते, काश ऐसा नहीं हुआ था, आज लवली मेरे साथ होते, आज मेरी फैमिली मेरे साथ होती, आज मैं यहाँ वॉइस ओवर नहीं करती रहती, आज मैं अपने सास ससुर और सबके बीच में बैठी रहती, हंसी मजाक होता रहता। तो यही चीज़ें हैं जो वो फैमिली टाइम था ना, वो चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना, लवली के साथ टाइम बिताना, तो यही सब चीज़ें थी और इसीलिए मैं नहीं भूल पाती अपने ससुराल को। यही बातें हैं, लोग कहते हैं कि छोड़ दो छोड़ दो, नहीं आसान होता है इतना आराम से सब चीज़ें छोड़ देना यार, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी हों वो चीज़ें नहीं भूली जा सकती और हर चीज़ परफेक्ट मिल जाता है तो फिर ये होता है ना, वो वही कहते हैं ना कि आपके हाथ में हीरा आके और फिर खो जाता है, तो वही मलाल जो रहता है ना एक दिल में, वही मलाल मेरे अंदर भी है कि मेरे मुझे सब कुछ इतना बढ़िया मिल गया, ऐसे चला गया मेरे हाथों से, तो वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो पाती। अगर मेरी लाइफ में कल को कुछ होता भी है ना, तो मैं यही भगवान से प्रे करती हूँ कि हे भगवान मुझे अच्छा देना, उससे अच्छा देना ताकि मुझे थोड़ा भी पछतावा ना हो, अगर उससे ख़राब मिल गया ना तो ज़िंदगी भर का पछतावा रहेगा और शायद मैं ये चीज़ें झेल भी नहीं पाऊँगी। तो यही है, कुछ लोग कह रहे थे कि झूठ टाइटल डालती है, इसको शादी करने का मन है, अच्छा चलो ठीक है यार मेरा शादी करने का मन है, अगर नहीं भी करने का मन है तो ये मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मैं चाहे जो करूँ। आप कौन होती हैं एक तो निगेटिव कमेंट करने वाली को मैं बोल रही हूँ, आप लोग मत पूरा पॉइंट करिएगा, जो मुझे समझते हैं वो ऐसा कमेंट नहीं करते, लेकिन एक दो लोग हैं कहीं से भी आ जाते हैं, कुछ भी उठ के आ जाते हैं, बोल देते हैं बिना सोचे समझे। तो आपको बता दूँ कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो आप मेरी ज़िंदगी पार करेंगे, अगर मेरी शादी हो गई तो आप मेरा घर चलाने आएंगे क्या, जो निगेटिव कमेंट करती हूँ तो उन्हीं को बोल रही हूँ। और प्लीज़ बोलने से पहले कुछ भी सोचा करिए तब बोला करिए, अगर मेरी जगह आप होंगी ना जिस दिन, उस दिन आपका बोलती बंद हो जाएगा, कि क्योंकि जो लाइफ मैं जी रही हूँ, जिस तरीके से मैं जी रही हूँ ना, वो जीना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आपके लिए जबान चलाना काफ़ी आरामदायक है और आसान है, तो इसलिए आप चला लेती हैं। कुछ भी बोलने से पहले आप सोचा करिए चार बात कि हाँ मैं वहाँ पर रहती तो क्या करती, क्या फील करती, ठीक है ना, तो इस वजह उसके बाद ही बोला करिए। बोलना बहुत आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है। लाइफ क्या है मेरी, कैसी नहीं है, आप नहीं जानती, ठीक है। आराम से बैठ के आप कमेंट कर दे रही हैं कुछ भी, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जवाब नहीं देती तो मैं जवाब देने के लायक नहीं हूँ, मैं बस ये सोच के छोड़ देती हूँ कि क्या यार फालतू लोगों को बहस करना, फालतू लोगों के मुंह लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं सिवाय को परेशान कर रही थी, थोड़ा सा वो कार्टून देखने में व्यस्त था, मैं उसको परेशान कर रही थी, सिर से मैं थोड़ा सा धक्का दे रही थी और उसके बाद उसको घसीट के ला रही थी। टाइल्स है ना तो साफ़ है, टाइल्स तो चिकना भी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अब बार बार खींच के मैं उसको ऐसे से ला रही थी तो चिड़ रहा था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने